नमस्कार, मैं हूं ममता लांजेवार और रिपोर्टर आटो वाली में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम रायपुर उत्तर विधानसभा की नब्ज टटोलेंगे और जानेंगे कि प्रत्याशियों के दावे क्या हैं, लोगों की उम्मीदें क्या हैं और मुद्दे क्या हैं। तो आइए हम रायपुर उत्तर विधानसभा में मिलते हैं और इनके जो प्रत्याशी हैं दक्षिण से बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं पुरंदर मिश्रा रायपुर उत्तर से, उनसे बात करते हैं। सर, हम चाहेंगे कि आप हमारी ऑटो की सवारी करिए और आपसे मुद्दों पर भी बात हुई। नामांकन के लिए गए, ऑटो में गए, ऑटो की सवारी से उनको दो पैसा मिलेगा भी, उनका रोजगार चलेगा भी, तो जहाँ जो आवश्यकता है वो करते हैं। हम जब नामांकन रैली में गए, ऑटो में गए, तो वो पब्लिसिटी स्टंट नहीं था आपको लगा? नहीं, कोई पब्लिसिटी स्टंट, आप तो देख रहे हैं, हम तो सादगी से चुनाव प्रचार कर रहे हैं और लोगों का रुझान देख रहे हैं, लोगों को आशीर्वाद मिल रहा है, लोग दिल से चाह रहे हैं कि कमल जीते, मोदी जी मजबूत हों, पुरंदर भैया उत्तर का विधायक बने, चाह रहे हैं लोग। देखिए, किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे सर, अगर आप लोगों के बीच में जब जाएंगे तो किन मुद्दों को लेकर जो है वो आप जाएंगे? देखिए, मेरा मुद्दा ऐसे है कि मैं जीत के आऊँगा, मेरे मतदाता भाई बहन जो बोलेंगे वही मेरा मुद्दा है, क्योंकि मुद्दा नहीं है तो जनता के हित के काम करने के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी जी चाहते हैं कि गरीब कल्याण के रास्ते में हम काम करने वाले हैं। नहीं, गरीब का कल्याण हो ठीक है, लेकिन मुद्दे तो होंगे, आप लोगों के बीच में जब जाते होंगे तो कौन सी बात आप रखते होंगे? देखिए, मैं ये बोलता हूँ कि 5 साल में कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया, केवल सड़क में जा करके नमस्ते चौक बना करके हमारे भाई बैठते थे कुलदीप जी, और केवल नमस्ते करते थे। इस समय रायपुर की जनता उनको नमस्ते करने वाली है। नमस्ते चौक काफी फेमस रहा है वैसे। हाँ, क्या करना, कोई काम नहीं था उनका, 9 बजे पहुंचना है, नमस्ते चौक बैठना है, चाय पिलाना है, वहीं से अपनी दुकानदारी चलाते थे। ये पूरा इलाका जो है उत्तर का जो इलाका है काफी कंजेस्टेड लग रहा है, अभी भी हम जा रहे हैं हमारी ऑटो नहीं जा पा रही है, क्या कहेंगे कि यहाँ पे क्या मुद्दे हैं जो आगे रहेंगे? 10 साल से विधायक महोदय हैं इस क्षेत्र में, आप देखिए, नाली की गंदगी, सड़क की समस्या, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, ये सब है, और केवल 5 साल तक नमस्ते किए हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कोई ऐसा बड़ा काम मुझे बताएं, मुझे बताएं कि उत्तर विधानसभा में किए हैं, भूमि पूजन किए हैं, क्या किए हैं? महतारी बंधन योजना जो है उसको लेकर आप खास तौर पे बात कर रहे हैं। महतारी बंधन योजना है ये माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत सम्मानीय योजना है, माताओं को सम्मान देने के लिए, बेटी को सम्मान देने के लिए, उनकी समस्या दूर करने के लिए ये योजना लागू किया है। मैं माननीय मोदी जी को उनके लाडली बहन जैसे योजना है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हर घर में, हर परिवार में सब शादीशुदा रहते हैं, और बच्ची जब शादी होकर जाएगी, उसकी बेटी होगी, उसके भी 1.5 लाख रुपए का अनुदान है। लेकिन तो, सर, कैसे पॉसिबल हो सकता है? प्रत्याशी तो चुनाव के समय ये भी वादा कर लेते हैं कि सोने की सड़क बिछा देंगे, कैसे पॉसिबल होगा हर घर में 1-1 हज़ार रुपये? मोदी जी है तो मुमकिन है। तो 10 लाख का तो वादा किया था उन्होंने, मुमकिन नहीं हो पाया? कौन सा 10 लाख का? हर किसी को 10 लाख देंगे, काला धन वापस आएगा? नहीं, वो आप नोटबंदी के बाद में जो है तमाम चीजें आप उसमें कंफ्यूजन है। हम उनको बताए कि हर व्यक्ति का 15 लाख रुपया हिसाब करने से विदेश में काला धन है, उसको लाना है। तो ला नहीं पाया ना अभी तक? लाए ना, पूरा काला धन आ गया। तो फिर 15 लाख कहाँ आया अकाउंट? तो वो कहाँ बोले थे कि मैं सबको दूंगा? बोला था सर। नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें कोई कंफ्यूजन है, सुनने में समझने में, काला धन लाऊंगा और जो काला धन विदेश में है वो 15 हज़ार के हिसाब से है। जैसे अभी हम भूपेश जी को बोलते हैं 146 लाख का जो कर्जा है वो हर आदमी के ऊपर 35 हज़ार का कर्जा है, तो कर्जा बताते नहीं, तो आप बोलोगे 35 हज़ार कर्जा है तो मैं कहाँ छूटूंगा? ये तो ये है, लेकिन मोदी जी ये बोले थे 15 लाख के हिसाब से विदेश में काला धन है, वो हम लाएंगे। अच्छा, ये बताइए सर कि आप नहीं लगता कि तमाम तरह की जो योजनाएं जो है, इस तरह की जो योजनाएं होती हैं, मतलब इस तरह के जो वादे होते हैं, इससे जरूरी है कि महिलाओं को 1,000 रुपये महीना देने से अच्छा, जैसे एक महिला कह रही थी कि रोजगार दिया जाए, महिलाओं को सशक्त बनाया जाए, जो भी रोजगार लेगा वो 50% उसमें सब्सिडी देंगे, जो भी रोजगार करेगा, युवाओं को 1 लाख का नौकरी देंगे। और मैं तो आपको बताना चाहता हूँ, हमारा मैनिफेस्टो देखिए, उसमें लोगों का सम्मान है, और कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखिए, उसमें तो लकड़ी छेना तक देने का है। हम जब मरेंगे उसकी चिंता करें, तो हिंदुओं के मरने के लिए पैदा हुआ है,
खाली हिंदू को मारना चाहते हैं, तो इनका जो है जो मैनिफेस्टो है वो ठीक नहीं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें सर कि सिलेंडर की आपने बात की कि 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा, कांग्रेस ने भी वादा किया और कांग्रेस का कहना है कि उज्ज्वला के तो 450 रुपए पड़ेंगे। नहीं देखिए, कांग्रेस उसमें सब्सिडी दे रही है, चाहे गैस 2000 का हो, चाहे 2200 का हो, चाहे 2300 का हो, हम उसमें 500 रुपया कि में ही देंगे। कांग्रेस का कहना है कि हम सब्सिडी देंगे तो हमको 350 फायदा हो रहा है, लेकिन हमारा डायरेक्ट है रेट जो भी हो हम 500 देंगे। अच्छा ये बताइए सर कि निर्दलीय जो है आपके यहाँ से सावित्री जगत निर्दलीय है, अजीत कुकरेजा कांग्रेस से निर्दलीय, आपको क्या लगता है कि ये आपके फायदे में है या फिर आपके लिए नुकसान देगा? देखिए निर्दलीय और राष्ट्रीय पार्टी में बहुत फर्क है। कांग्रेस का अंतर्कलह कर निर्दलीय चुनाव लड़ा है, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। सावित्री जगत हमारे समाज से है, बीजेपी से है, उसको किसी के बहकाव में आ गया, कुछ कांग्रेसी लोग उसको प्रलोभन दे करके वो दिए हैं, वो समझ जाएगी, कोई ज़्यादा उसका फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी वो बहन है। अच्छा ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि आपको लीड कितनी मिलेगी? लीड नहीं, मैं वहाँ जीतूंगा चुनाव, अच्छे मतों से जीतूंगा और विधायक भी बनूंगा। कि पंडित जी प्रसाद निकाले कितना दिए हाथ में, एक ठो आया कि दो ठो आया कि चार ठो आया, तो जनता जनार्दन का आशीर्वाद खूब है। ऊपर में मेरे भगवान जी हैं, नीचे में मेरे दाता मेरे भगवान। तो आपको ये भरोसा है कि प्रसाद जो है वो आप ही के हिस्से आएगा? प्रसाद मेरे हिस्से आएगा, सबको मिलेगा, लेकिन मेरा ज्यादा रहेगा। छप्पन भोग वाला प्रसाद आएगा। ये बताइए कि आपने एग्जाम जब देते थे स्कूल टाइम पे, तो कुछ दिन पहले एग्जाम के पहले घबराहट होती थी, क्या पेपर आएगा, क्या आएगा, मतलब क्या होगा नतीजा, ऐसी घबराहट होती है क्या पुरेंद्र मिश्रा को कि आपको लगता है आपकी तैयारी पूरी है? घबराहट नहीं होती, समय कम रहता है, इच्छा रहती कि सभी मतदाता भाइयों से मैं मिलूं, मिल रहा हूं, आप देख रहे हैं, आप ऑटो में भी ले आए, पैदल भी चल रहा हूं, और मैं डोर टू डोर जा रहा हूं। आज बहुत सारे उसमें डोर टू डोर में मेरा हुआ है, दौरा कर रहा हूं, लोगों का प्रतिसाद मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत सारे समस्या का समाधान का सोचे हैं। यहाँ जहाँ भी देखें नाली जाम है, सड़क गड्ढा है, बिजली ठीक नहीं है, युवा लोग उत्पेलित हैं, PSC का घोटाला, रोज बेरोजगार भत्ता, ये सब उन्होंने नहीं दिया, खाली झूठ का आश्वासन दे करके, झूठ झूठ कर करके सरकार में आए, अभी फिर झूठ आश्वासन। आपको बताऊं मैं किसानों के मुद्दे में अपन बात करें, आप दोनों तरफ से हिसाब करेंगे कि वो 3200 में खरीद रहे हैं, हम 3100 में खरीदें, हम 2100 क्विंटल खरीद रहे हैं, हम 2000 वो खरीद रहे हैं, हिसाब करने से 1100 रुपया क्विंटल हमारे किसानों को हम बीजेपी ज़्यादा दे रही है। फिर हम स्पॉट पेमेंट करें, हम तुरंत पैसा देंगे और वो 4 किस्त में देंगे, वो खसरा रकबा को काट के दे रही है, हम 5 एकड़ में 5 एकड़ का पैसा दे रहे हैं, वो 5 एकड़ में 4 एकड़ का पैसा दे, इस तरह से उसका काम है। मैं तो जनता जनार्दन से निवेदन करूँ कि मोदी जी के हाथ मजबूर करना है, बीजेपी को जिताना है और स्वच्छ सरकार, अच्छा सरकार, जनता की सरकार, जनता के हित के चिंता, गरीब कल्याण योजना को चिंता करने वाली सरकार को वोट दीजिए, उत्तर विधानसभा में मुझे जिताइए, मैं आपका सेवक के रूप में दिल्ली में हमारा बड़ा सेवक रहेगा, आपके लिए मैं यहाँ छोटा सेवक रहूँगा। तो ये है पुरेंद्र मिश्रा रायपुर उत्तर से बीजेपी के प्रत्याशी, और उनका दावा है कि वो जीतेंगे, और उनका ऐसा कहना है कि तमाम तरह की परेशानियां जो है वो रायपुर उत्तर में हैं, और उनका ऐसा कहना है कि उम्मीद जो एक बेहतर उम्मीदवार हैं और जनता जो है उन पर मुहर लगाएगी, उनके वादों पर मुहर लगाएगी। बहरहाल नतीजे क्या होंगे ये तो देखने वाली बात होगी। और दूसरे जो प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, बागी जो प्रत्याशी हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनके दावे क्या हैं। रायपुर उत्तर से अजीत कुकरेजा भी मैदान में उतरे हैं। अजीत कुकरेजा पहले कांग्रेस के पार्षद थे, लेकिन चूंकि टिकट नहीं मिली उसके बाद में बागी प्रत्याशी के रूप में वो उतरे हैं। और अजीत कुकरेजा से भी हम बातचीत करेंगे कि उनको क्यों भरोसा है कि जनता जो है उन्हें चुनेगी, और जब कोई प्रत्याशी बागी होकर मैदान में उतरता है और किसी बड़ी पार्टी का साथ नहीं होता है तो उसकी चुनौतियाँ बढ़ जाती है। अजीत, हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ ऑटो में सवारी करें और
हम आपसे बात भी करेंगे। अजीत कुकरेजा हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि इसके पहले आप ऑटो में कब बैठे थे? ऑटो ई रिक्शा में तो लगातार, क्योंकि मैं 10 साल बाहर रहा तो तब मेरे पास गाड़ी भी नहीं होती थी। मैं पुणे में था तो ऑटो में सवार मैंने घूमना होता था। दिल्ली में था, आईएएस की तैयारी कर रहा था तो ऑटो में ही घूमते थे। तो मैंने अपनी ज़िंदगी का एक अच्छा हिस्सा ऑटो में निकाला है। रायपुर में उतना कम होता है पर अनुभव अच्छा है अच्छा है। अच्छा ये बताइए कि आपको उम्मीद थी कि आपको टिकट मिलेगी लेकिन टिकट नहीं मिली, उसके बाद आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरे हैं, तो आपको क्या लगता है कि चूंकि बड़ी पार्टी का साथ होता है तो एक अलग बात होती है, लेकिन निर्दलीय इतना कॉन्फिडेंस क्यों? नहीं, निश्चित तौर पर दो राष्ट्रीय पार्टी के खिलाफ मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो बहुत मेहनत और बहुत ताकत लगती है, क्योंकि उनका सेटअप होता है, सिस्टम होता है, लोग हैं। पर मैंने लगातार ये देखा, जिस दिन मेरी टिकट कटी उसके बाद से लोग मेरे घर में इकट्ठे हो रहे थे, 1000-1200 लोग रोज इकट्ठे हो रहे थे। जिनकी टिकट कटी, मेरी टिकट कटी तो इतनी भीड़ थी, जिनको टिकट मिली उनके कार्यालय में इतनी भीड़ नहीं थी। उसके बाद जब मैं विधानसभा में घूमने लगा और अपने लोगों से मिलने लगा तो उन्होंने बोला हमको दोनों प्रत्याशी पसंद नहीं है, और कारण ये है कि एक प्रत्याशी का काम पसंद नहीं आया, दूसरे को हम जानते नहीं हैं, तो हम लोगों को विकल्प चाहिए। और उसके बाद सिंधी समाज की मीटिंग हुई, उसमें लगभग 4-5 हज़ार लोग इकट्ठे हुए थे और उन्होंने भी कहा कि क्योंकि दोनों पार्टियों ने हमको टिकट नहीं दिए सिंधी समाज को, तो आप निर्दलीय खड़े होइए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। इस तरीके से फिर माहौल बनता गया, तो फिर मैंने नामांकन भरा 30 तारीख को, उसमें लगभग 15 हज़ार लोग इकट्ठे हुए, दोनों दल से लोग आए थे बड़ी संख्या में। तो जन भावना ये थी कि हमको विकल्प चाहिए और विकल्प के तौर पर मैं मैदान में आया। लोगों को ये लगा कि 2 तारीख को ये नामांकन वापस ले लेगा, दबाव की राजनीति कर रहा है, पर मैंने लोगों को स्पष्ट कर दिया ऐसा कुछ नहीं होगा। लगातार कांग्रेस के लीडर्स का फ़ोन आ रहा था, मैंने बोला मैं आप सबका सम्मान करता हूँ पर मैंने अपने लोगों से पूछ के ये निर्णय लिया, मैं पीछे नहीं हटूंगा और चुनाव लड़ना ही है। तो मैंने भी उम्मीद नहीं की थी कि इतना समर्थन मिलेगा, हर समाज हर वर्ग के लोग समर्थन कर रहे हैं, उत्कल समाज मेरे साथ है। उस जाति समाज ने तो मीटिंग बुलाकर मीटिंग में बोल दिया कि हमारा सबका वोट अजीत कुकरेजा को जाएगा। सिंधी समाज से मैं आता हूँ, उन्होंने तो समर्थन दे दिया था। मुस्लिम समाज एक तरफा सपोर्ट कर रहा है और लगातार मैं इस क्षेत्र में 10 साल से काम कर रहा हूँ। मैंने बूथ लेवल की टीम बनाई है और सेक्टर प्रभारी बनाए हुए हैं, जोन प्रभारी बनाए, अनुभाग लेवल पे काम किया है। एक स्लीपर सेल की तरह पूरे विधानसभा में काम कर रही है, व्यापारियों की टीम अलग काम कर रही है, महिलाओं की टीम अलग काम कर रही है, सामाजिक टीम अलग काम कर रही है, अलग अलग लेयर में काम हो रहा है और लोग अधिक से अधिक जुड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि दोनों प्रत्याशियों की उम्र बहुत ज़्यादा है और मैं मात्र 36 साल का हूँ, तो जनता को भरोसा हो रहा है कि युवा कुछ करेगा। लोगों ने 10 साल पार्षद रहते हुए मेरा काम देखा है तो वो काम के आधार पर ये मान रहे हैं कि विधायक ने अपने विधानसभा में इतना काम नहीं किया जितना अजीत भैया ने अपने पार्षद वाले क्षेत्र में इतना काम किया। तो एक भरोसा है, पढ़ा लिखा हूँ, अभी तक विधायक हूँ, ये सारी चीज़ें लोगों को मुझसे जोड़ रही हैं। और मैं डोर टू डोर कैंपेन कर रहा हूँ, एक एक घर जा रहा हूँ। दोनों प्रत्याशी मेन रोड से निकल रहे हैं, जनता को हाथ दिखा के टाटा बाय बाय करके चले जा रहे हैं, वो पैदल नहीं चल पा रहे हैं। पर मैं क्योंकि युवा हूँ, एक एक घर में जा रहा हूँ, एक एक बुजुर्ग माता बहनों के और जितने बुजुर्ग हैं उनके पैर पड़ रहा हूँ, आशीर्वाद ले रहा हूँ, तो उनको ये लग रहा था अभी तक कोई प्रत्याशी नहीं आया था, आप अकेले हो जो हमारे घर आ रहे हो, हमारा वोट आपको मिलेगा। ये इस पे फोकस करना चाहते हैं कि मैं यूथ वोटर हूँ, बाकी जो है वो नहीं, क्योंकि मैं यंग हूँ और एक विजन रखता हूँ कि अगले 20 साल आप देखेंगे हर समाज के लोग। अभी हम लोग खमाड़ी गांव में हैं, यहाँ छत्तीसगढ़ी समाज के लोग हैं, अभी साहू समाज की महिलाओं ने मेरा स्वागत किया, उससे पहले यादव समाज के सब सीनियर लोगों ने मेरा स्वागत किया, और सबका एक ही कहना कि आप युवा हो और आपने काम किया है तो एक हमको उम्मीद है आप काम करोगे। अभी तक हम बहुत निराश थे पर आपने आपको देखकर अब हमको लगता है कि उम्मीद है काम करोगे। आपको क्या कितना भरोसा है कि ट्यूबलाइट जो है वो किस पावर के साथ जलेगी, अगर जली तो? देखिए जनता साथ में है तो मेरे को लगता है कि
जो एक उत्तर विधानसभा में अंधेरा फैला हुआ है उसको हटाने के लिए जनता ट्यूबलाइट जरूर जलाएगी और उत्तर विधानसभा को अजीत जरूर बनाएगी। कई मोहल्ले तो ऐसे हैं जहां मैं पहली बार पहुंचा, उसके बाद भी लोगों ने बोला कि हम पहले से ठान के बैठे हैं कि इस बार बदलाव करना है और ट्यूबलाइट जलाना है। और मैं जनता से मैंने कुछ वादे भी किए हैं, जैसे मैंने अपने वार्ड लेवल पर अभी लगभग 70% नालियों को भूमिगत कर दिया, तो उससे मच्छर कम हो रहे हैं, गंदगी कम हो रही है, रोड की चौड़ाई बढ़ गई है। तो लोगों का कहना है कि हमारे बाकी विधानसभा क्षेत्र में भी ये होना चाहिए। लोगों की मांग है कि हमारे मौदापारा में एक भी गार्डन नहीं है, महिलाओं को बच्चों को अगर कहीं खेलना है सोचना है तो फिर वो या तो गांधी उद्यान जाना पड़ता है या गुरु तेग बहादुर जाना पड़ता है। वैसे कई क्षेत्रों में पानी की बहुत समस्या है, कई क्षेत्रों में रोड और सड़कें इतनी टूटी हुई हैं। अब गांधीनगर है पंडरी क्षेत्र का जहाँ पर लगातार जल भराव होता है, आनंद नगर में लगातार जल भराव होता है, कविता नगर में लोगों के घर में कमर तक पानी भरता है। लगातार वादे किए गए वो पूरे नहीं हुए। जलविहार कॉलोनी में जहाँ से मैं अभी पार्षद हूँ मदर टेरेसा वार्ड में, वहाँ भी जल भराव होता था, 400-500 घरों में पानी भरता था, पर मैंने एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं जैसे ही पार्षद बनूंगा सबसे पहले नाला बनाऊंगा। मैंने बनाया 5.5 करोड़ की लागत से, आज 2 बारिश हो गई वहाँ एक बूंद पानी नहीं भरता है। मैं जब पहली बार पानी नहीं भरा उनके बीच में पहुँचा तो लोगों ने मालाओं से मेरा स्वागत किया कि हम नहीं तो डरते थे, बारिश होती थी कि हम अपने घर कैसे जाएंगे, पर नाला बना। तो इस तरीके से लगभग उत्तर विधानसभा में 132 करोड़ तो सिर्फ नाला बनाने के लिए चाहिए, पर किसी ने इस विजन में काम ही नहीं किया। कहीं ने किसी ने 1 करोड़ मांगा तो दे दिया, किसी ने 50 लाख मांगा तो दे दिया, पर इंटीग्रेटेड प्लानिंग नहीं हुई, इंक्लूसिव प्लानिंग नहीं हुई। बीजेपी कांग्रेस के इतने बड़े बड़े वो घोषणा पत्र हैं, ठीक है आप बात कर रहे हैं लेकिन वो घोषणा पत्र का प्रभाव तो पड़ता है, फिर कैसे इस चुनौती को लेंगे आप, मतलब कैसे मुकाबला करेंगे? देखिए पिछली बार कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र आया था ग्रामीण क्षेत्र से जितनी भी संबंधित बातें थी उन्होंने पूरी की, पर शहर में विकास नहीं हो पाया, फंड की बहुत कमी रही। मैं पार्षद हूँ, हम 2-4 पार्षदों ने अपने बलबूते में फंड लेके आ गए तो आ गए, नहीं तो लगभग पार्षद बेचारे निराश थे कि वार्डों में काम नहीं हुआ। जब आपने इस 5 साल काम नहीं किया तो आप ये कैसे उम्मीद करते हैं कि फिर ये घोषणा पत्र लाएंगे और अपना वादा शहर के लिए पूरा करेंगे। अभी भी फोकस ग्रामीण एरियों में है, तो शहर को सिटी ओरिएंटेड एक कैंडिडेट चाहिए जो शहर के बारे में सोचे। मैं पुणे में रहा, मैं दिल्ली में रहा, मैं लगातार यूरोपियन कंट्रीज़ में घूमता हूँ, मैं देखता हूँ आज तक हमने वायर अंडरग्राउंड नहीं कर पाई है अपने शहर में, नालियाँ खुली पड़ी हुई हैं, आज ही वही पुरानी स्टाइल में काम हो रहा है। किसी ने 5 लाख मांगा तो एक छोटा सा कमरा भवन के नाम पे बना दिया, किसी ने 2 लाख मांगा तो इंटीग्रेटेड प्लानिंग नहीं हो रही। 19 वार्ड है अगर उत्तर विधानसभा में तो कम से कम 5 वार्ड को आदर्श वार्ड बनाना चाहिए, यहाँ सारी नालियाँ अंडरग्राउंड हो, सारी केबल्स अंडरग्राउंड हो, स्मार्ट आंगनबाड़ी हो, स्मार्ट लाइब्रेरी हो। अच्छी सोच के साथ उतरा हूँ मैदान में कि काम करना है, लोगों के बीच में रहना है। देखिए पद की कोई लालसा नहीं है, क्योंकि 5 साल सरकार रही तो हमने कोई भी निगम मंडल आयोग या लाल बत्ती नहीं मांगे, क्योंकि हमको चुनाव लड़के जनता के बीच में रह के जनप्रतिनिधि रह के काम करना है। जब एग्जाम होता था आप कहें बाहर पढ़ाई की है जो भी, तो आप एक दिन या कुछ दिनों पहले जो है घबराहट होने लग जाती थी कि यार मेरी तैयारी कैसी है, नतीजे क्या आएंगे, ऐसी घबराहट अजीत कुकरेजा को हो रही क्या? हाँ बिल्कुल, यानी बहुत ज़्यादा नहीं पर एक वो झुंझुनी सी होती है कि बहुत बड़ा विधानसभा है, सब मेरे को मैनेज करना है। हाँ वो तो प्री डिसाइडेड प्रोटोकॉल है, होना था वो तो पता है। और पर क्योंकि एक पूरा सेटअप आपको खुद बनाना पड़ता है, निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, विधानसभा बहुत बड़ा है, शहर के लोग। मेरा सबसे बढ़िया पॉइंट ये रहा कि मैं लगातार 10 साल सक्रिय था, लोगों के बीच में था, हर कार्यक्रम में हर समाज में जाता था, तो लोगों के लिए मैं नया चेहरा नहीं था। जब इन्होंने देखा कि इसकी दावेदारी अच्छी है और बहुत तेज़ी से ये चुनाव लड़ रहा है, बहुत ताकत से चुनाव लड़ रहा है, तो जो लोग पहले संशय में थे कि समर्थन करें ना करें, अब वो भी समर्थन में आ गए हैं। और मैं अभी भी चुनाव को मैं मजाक में नहीं ले सकता, चुनाव चुनाव होता है, 2 बड़ी पार्टियां हैं, इसलिए आखिरी दिन तक 17 तारीख की शाम के 7 बजे तक पूरी मेहनत करनी है, पूरी ताकत लगानी है, बाकी फिर देखते हैं क्या होगा। अच्छा लीड क्या होगी आपको लगता है? देखिए ये सोचते हैं कि देखिए ऐसा अनुमान लगाना किसी के लिए भी संभव नहीं है, पर ये है कि परिणाम अच्छा रहेगा ऐसा लग रहा है और लोगों का जैसे समर्थन मिल रहा है, एक अंडर करेंट चल रही है। इस समय लोग खुल के नहीं बोल रहे क्योंकि राष्ट्रीय दल के जो नेता है उनको मुंह पे कैसे बोले कि नहीं भाई आपको समर्थन नहीं करना है, पर एक अंडर करेंट चल रही है। अब वो अंडर करेंट कितनी है, कितनी ज़्यादा है, वो 3 दिसंबर को पता चलेगा। तो
ये है अजीत कुकरेजा और इनका दावा है कि अंडर करेंट चल रहा है और अंडर करेंट जो है वो किसको कितना करंट लगता है, लेकिन अजीत कुकरेजा का ऐसा दावा है कि जीत उनकी होगी क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के जो प्रत्याशी हैं उनसे लोग निराश हो चुके हैं। तो देखना, चूंकि कुलदीप जुनेजा पहले से विधायक रहे हैं और पुरंदर मिश्रा जो है वो पहली बार यहाँ से खड़े हुए हैं विधायक के लिए, तो देखना ये होगा कि नतीजे क्या आएंगे।